Hello everyone, so today we will do revision for the topics that are like terminologies which are or abbreviations used in drug administration and dose calculation. Okay, so this is the video covering the topic medication administration part 3. ठीक है, और इसमें दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं. अभी बताया आपको टर्मिनोलॉजी एंड अब्रीविएशन यूज्ड इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज कैलकुलेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट, सबसे पहले आता है आपका टर्मिनोलॉजी एंड अब्रीविएशन यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन. सो नंबर वन इज स्टैट ऑर्डर. ठीक है, सो स्टैट ऑर्डर का मतलब क्या है? रेफरेंस टू एनी मेडिकेशन दैट इज नीडेड इमीडिएटली एंड इज टू बी गिवन ओनली वंस. जो हमें एकदम से देनी है और एक ही बार देनी है, उसका मतलब क्या होता है? स्टैट ऑर्डर. ठीक है, एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इमरजेंसी मेडिकेशन. देन है असैप. असैप का मतलब होता है नॉट एज अर्जेंट एज स्टैट. ठीक है, अर्जेंट है बट उतना अर्जेंट नहीं है जितने स्टैट ऑर्डर होते हैं. ठीक है, तो असैप का मतलब क्या है? एज सून एज पॉसिबल एंड इट शुड बी अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट विद 30 मिनट्स ऑफ द रिटर्न ऑर्डर. मतलब ऑर्डर लिखने के 30 मिनट्स के अंडर ये हमने मेडिसिन जो है वो देनी होती है असैप ऑर्डर वाली. देन है सिंगल ऑर्डर. फॉर अ ड्रग दैट इज़ टू बी गिवन ओनली वंस एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम सच एज प्री ऑपरेटिव ऑर्डर. ठीक है, जो मेडिसिन हमने सिर्फ एक ही बार देनी है और एक स्पेसिफिक टाइम पे देनी है. जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं हमने ऑपरेट होने से पहले देनी होती है पेशेंट को. ठीक है, सो दैट विल बी कवरिंग इन सिंगल ऑर्डर. देन है PRN ऑर्डर. सो PRN ऑर्डर जो है दैट हैज़ बीन कम डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोरीनेटा. लैटिन वर्ड है ये प्रोरीनेटा. ठीक है, PRN वहाँ से आया है. सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, द एडमिनिस्ट्रेशन इज डन एज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट्स कंडीशन. तो PRN ऑर्डर का मतलब क्या है? कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हमें मेडिसिन जो है वो देनी है. सो द नर्स मेक्स अ जजमेंट बेस्ड ऑन पेशेंट असेसमेंट एज टू व्हेन सच अ मेडिकेशन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड. तो इसमें नर्स जो है वो अपनी जजमेंट स्किल्स को यूज़ करेगी, पेशेंट को असेस करेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि मेडिकेशन पेशेंट को कब देनी है. सो दैट इज़ PRN ऑर्डर. लैटिन वर्ड से आया है प्रोरीनेटा. देन है रूटीन ऑर्डर्स. सो ऑर्डर्स नॉट रिटन एज स्टैट असैप नाउ और PRN. ठीक है, तो वो सारे ऑर्डर किस में आएंगे? रूटीन ऑर्डर में, जो जिसके आगे ना तो स्टैट लिखा है ना असैप नाउ और PRN भी नहीं लिखा है. तो वो ऑर्डर्स जो हैं वो किस में आएंगे? रूटीन ऑर्डर्स में. सो दे आर यूजली कैरिड आउट विद इन 2 hours ऑफ द टाइम द ऑर्डर इज़ रिटन बाई द फिजिशियन. तो जैसे ही डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी तो उसके 2 घंटे के अंदर हम ये वाली मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं. देन है स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर आपको पहले भी बताया था, रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं ये. ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो उसके लिए पहले से पॉलिसीज बनी होती है, तो उसमें नर्स को कैसे एक्ट करना है, तो वो किस में आता है? स्टैंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव PRN प्रिस्क्रिप्शन दैट आर रिटन फॉर ऑल द पेशेंट हु हैव अंडरगॉन अ स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर. ठीक है, जैसे कि हिस्ट्रेक्टमी हुई है. ठीक है, तो हिस्ट्रेक्टमी वाले पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिवली PRN कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, तो वो सबके लिए कॉमन रहेगी. तो वो किस में आएगी? स्टैंडिंग ऑर्डर में. और ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो होते हैं ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में. ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर जो हैं दे आर नो लॉन्गर परमिटेड इन सम फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ पुटिंग ऑल द पेशेंट टू सिंगल ट्रीटमेंट कैटेगरी. लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते, तो आपको चेक करना है कि जिस हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हो वहाँ की पॉलिसी है स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए या नहीं है. क्योंकि हर एक पेशेंट हिस्ट्रेक्टमी जैसे सपोज हुई है, यूटरस रिमूव हुआ है फीमेल पेशेंट्स का. ठीक है, तो 10 पेशेंट्स हैं, तो 10 पेशेंट्स के लिए सेम मेडिसिन जो है वो आप नहीं दे सकते ना. क्यों? क्योंकि हर पेशेंट जो है उसका एज अलग होगा, जेंडर मतलब जेंडर तो सेम ही होगा ना, हिस्ट्रेक्टमी हम कंसिडर कर रहे हैं, एज अलग होगी, उसके साथ उसके एसोसिएटेड कंडीशंस या कोई मॉर्बिड कंडीशंस होंगी. तो कुछ हॉस्पिटल्स में ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो नहीं भी होते. देन है AC. AC का मतलब होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले. देन AM का मतलब होता है मॉर्निंग. BID मतलब ट्वाइस पर डे, के दिन में 2 बार लेना है. CAP स्टैंड फॉर कैप्सूल. देन GTT मीन्स ड्रॉप्स. देन HR मीन्स आर्स. देन IM स्टैंड फॉर इंट्रामस्कुलर. IV स्टैंड फॉर इंट्रावीनस. नो मीन्स नंबर. PC मीन्स आफ्टर मील्स. ठीक है, AC क्या होता है? बिफोर मील. और PC क्या है? आफ्टर मील्स, आफ्टर ईटिंग. देन PO का मतलब है बाय माउथ, पर ओरल. PO का मतलब होता है पर ओरल. PM का मतलब है आफ्टरनून. PRN का मतलब है वेन नीडेड और नेसेसरी, जैसे आपको अभी मैंने बताया था. देन QID. QID मीन 4 times पर डे. देन Q2H, Q4H, Q6H, Q8H एंड Q12H. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है. Q मतलब एवरी, H मतलब आर, और बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है वो उसके आर्स हैं, घंटे हैं. जैसे कि Q2H मीन्स एवरी 2 hours, Q4H मतलब एवरी 4 hours एंड सो ऑन. RX का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट, टेक. RX होता लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन, उसका मतलब होता है टेक.
देन स्टैट, स्टैट का मतलब है इमीडिएटली और एट वंस. टीआईडी मींस थ्री टाइम्स पर डे. एडीएलआईबी मींस एज डिजायर्ड और एज डायरेक्टेड. टीआईबी स्टैंड्स फॉर टैबलेट. ठीक है, सो ये कुछ कॉमन एब्रीवेशन हैं जो हमने क्लास में पढ़ी हैं पहले, तो ये रिवीजन सेशन है इसलिए कुछ में हो सकता है मैंने कवर ना करी हो इसमें, तो अगर आपको डाउट होगा आप फिर भी पूछ सकते हो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके. देन नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट. तो डोज कैलकुलेशन से पहले आपको ड्रग मेजरमेंट के सिस्टम पता होना चाहिए, कौन कौन से सिस्टम जो है वो अवेलेबल हैं. मीट्रिक सिस्टम अवेलेबल है, हाउस होल्ड सिस्टम अवेलेबल है, एपोथिकरी सिस्टम अवेलेबल है, एंड सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होता है. ठीक है, तो हम इसे वन बाई वन पढ़ेंगे कि मीट्रिक सिस्टम क्या है, हाउस होल्ड सिस्टम क्या है, एपोथेकरी सिस्टम क्या है और सॉल्यूशंस क्या कैसे हैं. सबसे पहले आता है आपका मीट्रिक सिस्टम. सो इन दिस सिस्टम मीट्रिक यूनिट्स आर यूज. मीट्रिक यूनिट का मतलब क्या है, मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, ये किस में है, मीट्रिक सिस्टम में है. ठीक है, देन है हाउस होल्ड सिस्टम. हाउस होल्ड सिस्टम का मतलब जो हम घरेलू तौर पर यूज़ करते हैं घर में, जैसे कि ड्रॉप्स के फॉर्म में, टी स्पून, टेबल स्पून, कप्स फॉर मेजरिंग मेडिकेशन. घर पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि एक चम्मच लेना है, दो चम्मच लेने हैं, चार ड्रॉप लेने हैं दवाई के, पांच ड्रॉप लेने हैं, तो ये किस में आते हैं, हाउस होल्ड सिस्टम में. देन मीट्रिक सिस्टम और हाउस होल्ड सिस्टम को हम कैसे रिलेट करेंगे, जैसे कि मीट्रिक सिस्टम है आपको बताया ml हो गया, mg हो गया, किस में आएगा, मीट्रिक सिस्टम में. तो 1 ml जो होता है वो 15 ड्रॉप के बराबर होता है. ठीक है, 5 ml जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 teaspoon. 5 ml इक्वल्स टू 1 teaspoon. 15 ml इक्वल्स टू 1 tablespoon. टेबलस्पून बड़ा होता है ना टीस्पून से, तो टेबलस्पून जो होता है 15 ml के बराबर है और 1 teaspoon जो होता है वो 5 ml के बराबर है. देन है एपोथिकरी सिस्टम. एपोथिकरी सिस्टम में क्या होता है, ये ओल्डर सिस्टम है और इसमें बेसिक यूनिट जो होती है वेट की, ठीक है, वो हम ग्रेन में लेते हैं. ठीक है, ओल्डर सिस्टम है ये, तो हम इसमें वेट को कैसे नापते हैं, ग्रेन के फॉर्म में. ठीक है, यूनिट क्या आएगी, ग्रेन, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ इन मिनिम. तो और अगर वॉल्यूम है किसी चीज़ का, वॉल्यूम जैसे पानी है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, मिनिम. तो ये पुराना सिस्टम है. ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ वेट आर द ग्राम, आउंस एंड पाउंड. ठीक है, देन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर द फ्लूड ग्राम, फ्लूड आउंस, पाइंट, क्वार्ट एंड द गैलन. तो ये एपोथिकरी सिस्टम जो होता है ये ओल्डर सिस्टम है, वेट और वॉल्यूम को नापने के लिए रखते हैं, इसमें यूनिट्स होती हैं. अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो तो उसका वेट जो है वो ग्रेन में भी हो सकता है. ठीक है, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम देख रहे, जैसे पानी का वॉल्यूम देख रहे हैं, तो वो ग्राम में हो सकता है, आउंस में हो सकता है, पाउंड में हो सकता है, पाइंट में हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज एपोथिकरी सिस्टम. सो मीट्रिक सिस्टम में देखिए, अब 1 mg इक्वल्स टू 1/60 ग्रेन, 60 mg इक्वल्स टू 1 ग्रेन, 1 ग्राम इक्वल्स टू 15 ग्रेन, 4 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम, 30 ग्राम इक्वल्स टू 1 ounce, 500 ग्राम इक्वल्स टू 1.1 pound, देन 1 ml इक्वल्स टू 15 to 16 minims, 5 ml इक्वल्स टू 1 fluid gram, 30 ml equals to 1 fluid ounce, 500 ml equals to 1 pint, 1 liter equals to 1 quart, 4 liter equals to 1 gallon. ये मैंने आपको क्लास में लर्न करने के लिए भी बोला था, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है. ठीक है, ये आपको थ्रू आउट योर नर्सिंग प्रोफेशन काम आएगी, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है आपने. देन है सॉल्यूशन, ये भी मीट्रिक उसमें आता है. ठीक है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मीट्रिक के बाद है, देन है सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन इज़ अ गिवन मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ नोन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. तो सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देते हैं किसी लिक्विड के अंदर. ठीक है, तो उससे हमारा क्या प्रिपेयर हो जाता है, सॉल्यूशन. राइट, जैसे सॉल्यूशन की आप एग्जांपल ले लीजिए, 10% सॉल्यूशन इज 10 ग्राम ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन पड़ा है, तो मैंने उसको आपको बताया कि ये 10% सॉल्यूशन है मेरे पास. 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि मैंने 100 ml सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर 10 ग्राम मैंने सॉलिड को डिसॉल्व किया है. ठीक है, दैट इज 10%. देन है कन्वर्टिंग मेजरमेंट यूनिट्स. ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करना है आपने एक सिस्टम के अंदर और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. देन लास्ट आपका आएगा डोज कैलकुलेशन. सो सबसे पहले है कन्वर्जन विद इन वन सिस्टम. ठीक है, वन सिस्टम के बीच में ही आपने चेंज करना है. लाइक टू कन्वर्ट मेजरमेंट्स विद इन वन सिस्टम सिंपली डिवाइड और मल्टीप्लाई. जब आपने सेम सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करनी है, तब आप उसको या तो डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे. जैसे कि एग्जांपल देखिए,
टू चेंज मिलीग्राम्स टू ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों 1000 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, इतना तो आपको मैथ्स आता है ना बच्चे, राइट। सो मूविंग द डेसिमल 3 पॉइंट्स टू द लेफ्ट, ये देखिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम किसके बराबर है 1000 mg के। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास 350 mg है, 350 mg होगा तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000, 350 को 1000 के साथ आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा 0.35 ग्राम। मतलब कि आप सेम सिस्टम के अंदर कन्वर्जन कर रहे हो, मीट्रिक सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम के मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे हो, राइट। सो आपने क्या करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, देन कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपने कन्वर्जन करनी है। सो उसके लिए जो नर्स है उसको फेमिलियर होनी चाहिए इक्विवेलेंट वैल्यूज़ के साथ ऑफ ऑल द सिस्टम। जैसे कि आपको इस टेबल में मैंने बताया था अभी कि 1 mg जो है 1/60 ग्रेन के बराबर है, 60 mg 1 ग्रेन के इक्वल है, क्योंकि ये दो अलग सिस्टम है ना, मीट्रिक सिस्टम और एपोथेकरी सिस्टम, तो आपको याद होना चाहिए ये सारी वैल्यूज़, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1 ml जो है 15 mm के अराउंड भी है और 15 ड्रॉप्स के भी बराबर होता है। 4 से 5 ml जो होता है वो 1 fluid drum के भी इक्वल है और 1 teaspoon के भी इक्वल है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। देन लास्ट आपका टॉपिक आता है आज का, दैट इज़ डोज कैलकुलेशन। ठीक है, डोज कैलकुलेशन के अंदर हमने 3 मेथड्स पढ़ने हैं मेन, 1 is रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, अनदर 1 is फार्मूला मेथड एंड 3rd 1 is डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये 3 मेथड हमने पढ़ने हैं आज। सबसे पहले आपका मेथड आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, सो अ रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, जो रेशियो होती है वो 2 नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती है जो कि एक कोलोन के साथ सेपरेटेड है, जैसे कि 1:2। तो 1:2 जो होती है इट इज़ सेम एज 1/2। ठीक है, मतलब जो एक है तो यहाँ पे इसका डबल हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 8 है तो ये फिर 16 हो जाएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड क्या बताता है हमें, रिलेशनशिप बताता है 2 नंबर्स के बीच में। ठीक है, सो एग्जांपल देखिए आप, 1:2। ठीक है, 1:2 की एग्जांपल देखिए, इक्वल्स टू आप एग्जांपल ले लीजिए 4:8। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल हो जाएगा पीछे वाला नंबर। ठीक है, देन एग्जांपल नंबर 2 देखिए, 1:2 फिर सेमी कॉलन आपका है। ठीक है, देन 4:8 आया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, 1/2 इक्वल्स टू 4/8। इसका मतलब क्या है, 1/2 इक्वल्स टू 4/8। तो आप किसी भी तरह से इसको जो है वो लिख सकते हैं, तो 1:2 इक्वल्स टू 4:8 को आप किसी भी तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल बताऊंगी मैं। ठीक है, सो प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कौन से हुए, इधर से ये फर्स्ट नंबर और इधर से ये 8। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हुआ यहाँ पे 1 और लास्ट नंबर क्या हुआ 8। तो 1 और ये 8, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक्सट्रीम, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। देन आता है आपका 2 और 4, 2 और 4 को हम क्या बोलेंगे, मीन, क्या बोलेंगे, मीन, राइट। तो द फर्स्ट है और जो लास्ट नंबर है दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड द सेकेंड एंड थर्ड नंबर आर कॉल्ड द मीन्स। ठीक है, तो हमने करना क्या है, एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वी विल मल्टीप्लाई 1:8 और फिर मीन क्या है, 4:2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आप एग्जांपल देखिए, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड में, जैसे कि एक प्रोवाइडर है या डॉक्टर है, उसने ऑर्डर किया है लोरेज़ेपम 4 mg देना है पेशेंट को इंट्रावीनस पुश के थ्रू। ठीक है, तो कितनी ड्रग देनी है पेशेंट को, 4 mg। ठीक है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर्म है, वो आपके पास एक वाइल है। ठीक है, आपके पास जो वाइल्स अवेलेबल हैं वो 1 ml की वाइल है और 1 ml के अंदर कितना है इंजेक्शन, 2 mg। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपको पेशेंट को कितने जो वाइल है वो एडमिनिस्टर करनी है या कितनी मिलीमीटर डोज जो है वो पेशेंट को आपने देनी है। क्वेश्चन समझ में आया मेरा, डॉक्टर ने बोला क्या है, 4 mg देना है पेशेंट को ड्रग। ठीक है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो
2 mg पर ml है, मतलब एक वायल जो है वो पर ml 1 ml की है और 1 ml के अंदर कितना है, 2 mg। अब क्वेश्चन ये आता है, आप सोचोगे कि मुझे फिर कितना ml जो है वो पेशेंट को देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से। देखिए इसका फॉर्मूला है ये, हैव ऑन हैंड डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी यू हैव। ठीक है, मतलब आपके पास कितनी क्वांटिटी जो है वो आपके पास अवेलेबल है, उसको आपने लेफ़्ट साइड में रखना है और राइट साइड में आपने कितना आप मेडिसिन चाहते हो उसको आपने राइट साइड में रखना है। ठीक है, सो आपके पास अवेलेबल कितनी है, 2 mg पर ml। ठीक है, 2 mg डिवाइड बाय 1 ml, इतनी आपके पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपने डिज़ायर्ड रखनी है, डिज़ायर्ड कितनी देनी, कितनी है, 4 mg देनी है पेशेंट को। आपने कितनी देनी है, 4 mg आपने पेशेंट को देनी है डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का मतलब क्या है, आपने मिलीमीटर में देना है ना, मिलीमीटर आपने निकालना है। जब इंजेक्शन में भरोगे तो मिलीमीटर के हिसाब से भरोगे ना, तो आपने क्या लिखना है, 4 mg बाय एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 by 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है आपने, 2 divided by 1 इक्वल्स टू 4 divided by x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 1 के साथ करना है, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 2x equals to 4, और x इधर ही रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, तो x equals to 2 ml। तो ये आपका मेथड है निकालने का रेशो एंड प्रोपोर्शन मेथड से। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या रखना है आपने, जो क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, और राइट साइड में जो आपने डिज़ायर्ड अमाउंट है वो आपने राइट साइड में रखना है। फिर 2 by 1 करके इक्वल्स टू 4 by x करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को x के साथ, 4 को 1 के साथ। ठीक है, आप बेटा जब ये बना PPT देख रहे हो, साथ में अपनी एक नोटबुक रखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है घर पे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे वैसे वैसे लिखते रहो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो एक तो ये मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है आपका इस तरह से, ठीक है, आप इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि 2 ये आपके पास अवेलेबल है ना, अवेलेबल को फिर से लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में डिज़ायर्ड आपको कितनी चाहिए वो राइट साइड में आएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिखना है इसको, ये देखिए 2:1, ठीक है, फिर डबल रेशो आ गया बीच में, देन 4:x। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्सट्रीम नंबर है, जो दोनों कॉर्नर में नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच में दो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका आंसर आएगा 2x equals to 4 into 1। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया और बीच में इक्वल टू आ गया, और 4 को किससे करा, 1 से। ठीक है, देन x equals to 4 by 2, एंड अगेन आंसर कितना आया आपका, 2 ml। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में जो आपके पास डेटा गिवन होगा वो लिखेंगे, और राइट साइड पे जो आपके डिज़ायर्ड अमाउंट होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, और इस मेथड के लिए एक्सट्रीम नंबर जो दोनों कॉर्नर्स में होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दो बीच वाले नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, देन है आपका फार्मूला मेथड। ठीक है, कुछ फार्मूला हमारे पास अवेलेबल होते हैं सॉलिड मेडिकेशन की डोज कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे ड्रग अमाउंट टू द सेम यूनिट्स। ठीक है, जो भी ड्रग हमारे पास अवेलेबल होगी उसको हमने सेम यूनिट के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। जैसे ग्राम में अवेलेबल है तो हमने जो मेडिसिन हमारे हाथ में है वो सपोज़ ग्राम में अवेलेबल है, और हमारे डॉक्टर ने जो ऑर्डर करी है वो mg में करी है, तो पहले हमने दोनों यूनिट्स को बराबर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला लगाना है, डोज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई स्टॉक इन स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, कितनी आपको चाहिए, और डिवाइडेड बाई स्टॉक स्ट्रेंथ कितनी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सो That will be the answer for number of tablets. Then next आता है calculating dose of liquid medication. अब liquid medication की dose आप कैसे जो है वो find out करोगे। ठीक है, सबसे पहले same step है, same units में convert करना है जो आपके पास available है और जो आपको desired amount है, दोनों को same units में आपने convert करना है। Then formula आप ऐसे लगाएंगे, strength required into volume of stock solution। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए है इनटू मल्टीप्लाई बाय कितना वॉल्यूम जो है स्टॉक सॉल्यूशन का आपके पास अवेलेबल है डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज़ फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ लिक्विड मेडिकेशन। बच्चे गूगल पे आप ये वाली हेडिंग्स जो हैं वो एंटर करना आज। ठीक है, और
एग्जांपल्स देखना, ठीक है, कैसे फॉर्मूला जो है वो सॉल्व किया गया है। मैं आपको असाइनमेंट में अभी 4 क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, आपको व्हाट्सएप करूंगी, उन 4 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके मुझे ईमेल करना है, राइट। देन कैलकुलेटिंग ड्रिप रेट, ठीक है, ड्रिप रेट का मतलब है जैसे पेशेंट को आपने देखा होगा नॉर्मल सलाइन लगता है, डेक्सट्रोज लगता है, ग्लूकोज लगता है ना, तो उसके अंदर कितने ड्रॉप्स 1 मिनट में जाने चाहिए, तो उसके लिए हम ड्रिप रेट जो है ड्रॉप्स पर मिनट का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला होता है ड्रॉप्स पर मिनट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन, कि पेशेंट को कितना वॉल्यूम जो है वो देना है, इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इन आवर्स इंटू 60, ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन, सपोज पेशेंट को 500 ml देना है, उसको हमने ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है, दो तरह के आपके पास ड्रिप सेट होते हैं, एक होता है मैक्रो ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। तो मैक्रो ड्रिप सेट के अंदर 15 होता है ड्रॉप फैक्टर, कितना होता है 15 ड्रॉप फैक्टर होता है, और माइक्रो सेट के अंदर 60 होता है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि माइक्रो ड्रिप सेट है या मैक्रो ड्रिप सेट है। अगर माइक्रो होगा तो इंटू 15 करेंगे, अगर माइक्रो सेट होगा तो इंटू 60 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई टाइम इन आवर, सपोज 500 ml देना है और ड्रॉप फैक्टर जो है आपका 15 है, ठीक है, तो डिवाइड बाई 3 घंटे में देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 के साथ, ठीक है, और जितना भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी ड्रॉप्स पर मिनट, तो आप उस रेट पे जो है आईवी फ्लूइड को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया हुआ है पहले टॉपिक, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर, ठीक है, ये माइक्रो ड्रिप सेट है एंड दिस इज़ द पिक्चर फॉर मैक्रो ड्रिप सेट, राइट। देन आता है आपका कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू द वेट, कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल डोज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज इंटू पेशेंट्स वेट, टोटल डोज कितनी है इक्वल्स टू कितनी डॉक्टर ने बोला है देने के लिए पेशेंट को डोज, और उसको पेशेंट के वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। देन कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी सर्फेस एरिया, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा टोटल डोज इक्वल्स टू प्रिस्क्राइब डोज इंटू पेशेंट्स बॉडी सरफेस एरिया, तो पेशेंट वेट की जगह यहाँ पे क्या आ गया, पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो आई होप दिस रिविजन सेशन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज, और जो भी आपको मैंने ये फॉर्मूलाज बताए हैं इनको आपने गूगल में आज एंटर करना है, और इसके रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स देखनी है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा, राइट। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आज बाय इवनिंग मैं आपको 4 न्यूमेरिकल्स दूँगी सॉल्व करने के लिए, वो आपने सॉल्व करके मुझे ईमेल करना है डोज कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।